हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरबीओ हिंदी। आज की वीडियो में हम तांगसन की कुछ ऐसी एबिलिटी के बारे में बात करेंगे जो तांगसन को उसकी ज़िंदगी के साथ सोल लेवल के कल्टीवेशन के साथ मिली हुई है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सी गॉड ट्राइडेंट और बेस्ट सी पिरामिड की। इनकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं तांगसन की 8 स्पाइडर लेग की। वैसे तो यह तांगसन को 2000 और 4000 ईयर की ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर से मिली हुई थी, लेकिन टाइम के साथ यह कई बार इवॉल्व हुई है और आखिर में एक अल्ट्रा डिवाइन टूल और वेपन के रूप में इवॉल्व हो जाती है। 8 स्पाइडर लेग की कुछ एबिलिटी इस प्रकार हैं। यह पॉइजन को इंजेक्ट और एब्जॉर्ब दोनों ही कर सकती हैं। यह स्पीड के साथ चलने और कूदने में भी हेल्प करती हैं। इसी से 8 स्पाइडर लेंसेस, आर्मर और विंग्स बनेंगे। यह सभी सोल बोन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यह किसी की सोल पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। डेथ गॉड डोमेन के साथ फ्यूज होने पर असुरा गॉड लांस बनेगा। स्कल बोन, यह तांगसन की सेकंड सोल बोन थी। यह सी गॉड के टेस्ट के दौरान बेस्ट सी पिरामिड और पर्पल डीमोन आई के साथ फ्यूज हुई थी, और कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है कि यह 5th टेस्ट को कम्प्लीट करने पर इवॉल्व हुई है, तब यह ब्लू गोल्ड कलर की हो जाएगी। एबिलिटी, इससे पर्पल गॉड लाइट आँखों से निकलती है। इससे तांगसन ऑल लिविंग थिंग को देख सकता है। इससे तांगसन की माइंड लेवल को इंक्रीज किया होता है। यह बेस्ट सी पिरामिड के साथ फ्यूज हुई थी, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लेफ्ट आर्म बोन टाइटन जाइंट एप, यह तांगसन 7th टेस्ट के बाद रिसीव करेगा जब स्टारड्यू फॉरेस्ट में जाएगा। इसकी एबिलिटी है ग्रेविटी कंट्रोल, इसमें यह ग्रेविटी को घटा और बढ़ा सकता है। टाइटन फायर मेमेंट ब्रेकर, यह भी तुरंत ग्रेविटी को कंट्रोल करने के साथ साथ अटैक करने का मौका भी देती है। राइट आर्म बॉन ब्लू स्काई बुल पाइथन। एबिलिटी, फर्स्ट एबिलिटी ब्लू स्काई स्लॉन्ग गॉड क्लॉ, यह बिना किसी साउंड के टारगेट का पीछा करने में हेल्प करता है और यह टारगेट को 10 times स्लो भी कर सकता है। स्काई ब्लू फेडिंग थंडर क्लैप, यह एक सिंगल पॉइंट अटैक है जो किसी भी टारगेट को राख में बदल सकता है। राइट लेग बॉर्न ब्लू सिल्वर एम्परर, यह सोल बॉर्न आहियन के सेक्रीफाइस के साथ आई हुई थी और तांग हाउ ने आहियन की तरफ से तांगसन को सौंपी थी, जिसे तांगसन ने बिना देर किए यूज की हुई थी। फर्स्ट एबिलिटी वाइल्ड फायर कैन नॉट डिस्ट्रॉय द ग्रास, इट ग्रो अगेन विथ द स्प्रिंग विंड। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह कितना भी इंजर्ड क्यों ना हो, वह खुद को हील कर लेता है और साथ साथ अपनी इंजरी भी सही कर लेता है। सेकंड एबिलिटी फ्लाइट, इससे हवा में उड़ने की क्षमता मिल जाती है। लेफ्ट लेग बॉन ईविल स्प्रिट ऑर्का किंग, यह 4th टेस्ट ट्रायल के दौरान ऑर्का किंग को मारने से मिली थी। फर्स्ट एबिलिटी ऑर्का ईविल स्प्रिट एक्स, इससे एक रेड बहुत ही पावरफुल एक्स निकलती है जो पल भर में किसी को भी मार सकती है। सेकंड एबिलिटी ऑर्का टैंक ब्लास्टर, यह भी फर्स्ट टेक्निक की एक्स जैसी ही पावरफुल है। इसमें से एक क्लिंग एनर्जी ब्लेड निकलती है जो किसी भी चीज को 2 भागों में बांट सकती है। टोर्सो बोन डीप सी डेमोनिक भेल किंग, यह सोल बोन तांगसन को सी गॉड आयरलैंड पर अपने टेस्ट ट्रायल के दौरान डीप सी डेमोनिक भेल किंग को मारकर प्राप्त हुई थी। यह सबसे अधिक पावरफुल सोल बॉन होने वाली है। इसकी एबिलिटीज की जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन यह इतनी पावरफुल है जब तांगसन का आर्मर बनेगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल यही सोल बॉन प्ले करेगी। हमने यहाँ साउबू की सोल बॉन की चर्चा नहीं की है क्योंकि तांगसन साउबू को रिजरेक्ट करते समय सोल बॉन वापस कर देगा और इस तरह से तांगसन की सभी 7 सोल बॉन कम्प्लीट होती हैं। यहाँ यह वीडियो ख़त्म होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।